मॉर्निंग में, मॉर्निंग सुबह सुबह डल लेक पे एक एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी आना, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए पीछे डल लेक है, यहाँ पे हाउस बोट है। ये सुबह के 5:30 हो रहे हैं यहाँ पर, और अभी तक का सफ़र था हमारा दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर टू जम्मू, जम्मू टू श्रीनगर, और आज है श्रीनगर टू कारगिल। एंड बस यहाँ से तैयारी करते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डल लेक में, ये देखिए सुबह सुबह कुछ शिकारास चल रहे हैं, ब्यूटीफुल। सुबह सुबह उठना डल लेक पे, श्रीनगर पे, ये भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब आप आएंगे यहाँ कश्मीर में, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कश्मीर को लोग क्यों कहते हैं, हेवन क्यों कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। डल लग के हाउस बोट पे एक दिन स्पेंड करना, इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये पीछे हाउस बोट्स बनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई वापस जाने यहाँ घूमा, हाँ कल आए थे शाम को, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक निशान गार्डन बस। अब वापस जा रहे कारगिल, बाइक पे है ना। Now we are moving towards Nehru Park. Nehru Park na? Nehru Park और Gulfarm Lake और Gulfarm जहाँ shooting बन गया, वो दिखाएगा। हाँ, summer garden दिखाएगा। हाँ देखो fishing तो। fishing हो यार। fishing कर। Thank you.
मीना बाजार कितने बजे खुलता है? ये 9-10 बजे खुलता है ना। अगर आपको लेना है कुछ तो फिर जाओ अंदर। किसकी शादी में भाई है? किसकी शादी में? अपनी खुद की। याद है ना यार, खुद की शादी में जाना है। नहीं ले लेता हूँ फिर। Now we are moving within 5 to 10 minutes. सब रेडी हो चुके हैं। अब ये बैग रेडी हो चुका है। आशीष, आहान, पुष्पा, ज्योति में आधार सब जुड़ी है यहाँ पर। ये सारे बैग्स पैक हैं। बस यहाँ से निकल रहे हैं, 8:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। 11 में अब ये थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, 15-20 मिनट में बाइक उठाएंगे और निकलेंगे कारगिल की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल है। सैफरन क्या फर्क? ये आपने 50 रुपये खराब कर दिया होगा। 20-10 रुपये तो कहाँ से, एक दाने से जब तक कस्टमर को दिखाएगा तब तक कहाँ लिया जाए। ये देखो ये नहीं है। ढाई रेडी हो चुके हैं और चेन बढ़िया भैया। बाइक छुपी है गाड़ी के साथ एंड जो तो लेडीज रन कर रही थी वो आगे जाने नहीं दे रही है हमें। टाइम खराब हो रहा है। यहाँ देखिए सब लगे उसको समझाने में। मान जा भाई, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे। Hi, hi.
देखो देखो तरुण भाई क्या कर रहा है, खेती बाड़ी में लग गए भाई। और रुकता नहीं है, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया है, ये भेड़ है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ले बकरी। ड्रोन की तैयारी हो रही है यहाँ पर, हम ड्रोन उड़ाएंगे यहाँ पर। ये हमारा आदित्य भाई तैयार कर रहा है ड्रोन। ये चलेगा इधर, उड़ेगा उड़ेगा, ये चलेगा नहीं। ये ड्रोन है, ड्रोन ऊपर सोनमर्ग की तरफ, सोनमर्ग के अंदर। ये कहाँ आ गए हम, सामने ग्लेशियर से। मौसम अभी बहुत गर्म था, एकदम से हवा आ गई और एकदम ठंडा ठंडा हो गया। यहाँ रुके डिनर करने के लिए, सोनमर्ग में सारी बाइक ठीक है। लुंगी पहन दे, लुंगी पहन चलाएगा, देखो इसे लुंगी पहन दे अली, एक लुंगी पहन चलाएगा बाइक। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, अभी घोड़े पे जाए। क्या मटन है? ये मेरी बाइक और ये ग्लेशियर, ये ग्लेशियर में से निकलता हुआ पानी है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर, ये मेरा बाइक है, ये मेरा बाइक, ये ग्लेशियर। और ये इस टाइम मैं कारगिल पहुंचने वाला हूँ यहाँ से कुछ देर में।
दोजिला पास के लिए जा रहे हैं और कुछ देर में दोजिला पास आ जाएगा। ये देखिए भीड़ ही भीड़ ही भीड़ है। एल्टीट्यूड 11649 फीट आ चुके हम जोजिला पे। जोजिला पास 0.11649 फीट यहाँ पे सब देखिए फोटो खिंचवा रहे हैं, अब हम भी खिंचवाएंगे। ये तेरा नंबर बाइक नंबर थोड़ा एक चीज़ बाइक नंबर ही तो है डीएल करके बाइक नंबर कह रहे हो ना बाइक नंबर नहीं दिखाओ 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 मेरे को दिखाओ ये है तो सी 8339 ये डीएल 1SZ ये मीना मार्ग में आरटीपीसीआर की चेकिंग हो रही है जो आप टेस्ट करा के आए थे यहाँ पर अमृतसर में टेस्ट हुआ था यहाँ पे चेकिंग हो रही है और कुछ ऐसा मार्क करा है तभी जाने दे रहे हैं आगे और विद इन 5-10 मिनट्स यहाँ से हम मूव करेंगे टूवर्ड्स कारगिल। ये पीछे कारगिल वॉर मेमोरियल है कारगिल की लड़ाई हुई थी और ये और अभी हम इससे पहले द्रास को क्रॉस करके आए हैं और अभी टूवर्ड्स जाएंगे हम कारगिल की तरफ। कारगिल वॉर मेमोरियल है अभी हम अंदर जाएंगे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर और ये हम लोगों ने सबकी बाइक लगा दी सबकी बाइक लगी है और ये हमारा वॉर मेमोरियल है। मैं वॉर मेमोरियल के अंदर आ चुका हूँ कारगिल द्रास और जेट रखा हुआ यहाँ पे सर लोग हमारे देश की जो शहीद हुए थे कारगिल वॉर के अंदर उनके सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। उनको पढ़ने के बाद एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने लोगों ने शहादत दी थी कितने लोगों ने अपनी जान दी थी कारगिल वॉर के अंदर। सारे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं उनको वीरभूमि बोला गया है वीरभूमि। रात को 8:30 बजे 8:30 के बाद ही पहुँचे यहाँ पर और जो ड्राइविंग थी वॉर मेमोरियल के बाद और यहाँ तक कारगिल तक का हमारा होटल है इट वॉज टोटली स्केरी ड्राइविंग क्योंकि अंधेरे में आपका अपना एरिया नहीं है और एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ इट वॉज टोटली स्केरी एंड इतने अंधेरे में ड्राइव करना और वो भी वर्ल्ड की डेडलीस्ट रोड में काउंट होती है रोड और उस पर ड्राइव करना इट वॉज नॉट ईजी।
अभी होटल पे पहुंच गए, यहाँ पे सब खड़े देखे, सब अपनी बाइक लगा रहे हैं, ये सब अंधेरा है, कुछ कम दिख रहा होगा। आप हो? हाँ नूरा, ये हमारा रिजोर्ट है। ढूंढ के आनी पड़ी, जब जाके मिली है, जब मिली नहीं थी। क्या हुआ? 401 का है? यही है। और 40 मेरा कौन सा था? 40 8 वो का है? 8 उधर तक होगा कहीं। मात 408 ये रूम लिया डिनर टाइम हो चुका है, अभी सूप लिया सबसे पहले, बेस्ट सूप है, शुरुआत करते हैं उससे, फिर उसके बाद आएंगे डिनर पे। कारगिल में इस टाइम मैं अपने होटल के अंदर हूँ और ये यहाँ से व्यू है। सुबह से बाइक ड्राइव करके थोड़ा काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अभी की ड्राइविंग बहुत स्केरी थी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा लाइक कमेंट के साथ, और